नमस्कार प्रिय छात्रों, आज अपने बात करें अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जनजातियां, तो जनजातियों में सबसे पहले नंबर आती है, एक नंबर बुशमैन, कालारी मरुस्थल, कालारी मरुस्थल में निवास करती है। इनके घरों को सियोम कहते हैं। कालारी मरुस्थल जो है उसे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर और इनके घरों जो है बुशमैन जनजाति, उनके घरों को क्या कहते हैं? सियोम कहते हैं। ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका देश में। दूसरी जनजाति पेगमे जनजाति, पेगमे जनजाति देखना। दूसरी जनजाति जो है वो पेगमे जनजाति है। कांगो बेसिन में निवास करती है, कांगो बेसिन में निवास करती है तथा लकड़ी के खंभों पर अपने घर बनाकर निवास करते हैं। पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में निवास करते तथा लकड़ी के घर बनाकर उन पर निवास करती है। इनका कद 4 से 4.5 फीट तक होता है, मतलब नाटे कद के ये होते हैं, ध्यान रखना, नाटे कद के ये होते हैं। ये एक पक्षी व्यापार करते हैं। ब्रैकेट में मौन व्यापार मतलब एक पक्षीय व्यापार करते हैं, मौन व्यापार ये करते हैं, मौन व्यापार ये करते हैं। इनके या इनका प्रिय फल केला है। इनका जो प्रिय फल है वो कौन सा है? केला है, ध्यान रखना। तीसरी जनजाति, तीसरी जनजाति की बात करते हैं, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में
निवास करती है। पूर्वी अफ्रीका के अंदर ये निवास करती है, ध्यान रखना। ब्रैकेट में मध्य पूर्व, कहने मतलब मध्य पूर्व में निवास करती है। सवाना घास का भाग है, ये भाग है। कहने मतलब सवाना घास का भाग के अंदर ये निवास करती है, ध्यान रखना। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुचारण है, ध्यान रखना। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। इनके घरों को कराल कहते हैं। इनके घरों को क्या कहते हैं? कराल कहते हैं, ध्यान रखना। तथा ऐसे इन्हें खून पीने वाली जनजाति या ब्लड सुकर भी कहते हैं। कहने मतलब ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और साथ में उनका खून पीते हैं, मुख्य रूप से गाय का खून ये पीते हैं, ध्यान रखना। चौथी जनजाति, जो है चौथी जनजाति है चेगा जनजाति। चेगा जनजाति जो है वो किलिमंजारो पर्वत पर निवास करती है। किलिमंजारो पर्वत पर निवास करती है। अगली जनजाति जो है पांचवी जनजाति, को होन्टेस्ट होन्टेस्टोस। छठी जनजाति जो है वो जुलू, जनजाति भी निवास करती है, ध्यान रखना। पांचवी जनजाति जो होन्टेस्ट वो है नामीबिया के अंदर। करती है जूलू जनजाति जो है वो दक्षिण अफ्रीका, निवास करती है। सातवीं जनजाति के अंदर ओसा कौमा, सातवीं जनजाति जो है ओसा, सातवीं जनजाति में ओसा, के अलावा जो है फुलानी कौमा मारुबो कौमा तुबो, ये भी जनजाति जो है निवास करती है। और ये कहां पर करती है? नाइजीरिया में निवास करती जाएगा। आठवीं जो है उसका नाम है हेतु वेत तुत्सी। ये जो ज्यादातर नाइजीरिया
में निवास करती है। ये थी अब आज की जनजातियां। आगे जो तो बात करें इसमें स्टार्ट। आगे पे जो बात कर रहे हैं के काहिरा रेल मार्ग, केप कायरा रेल मार्ग अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर केप टाउन शहर यहां पर है और कायरा शहर यहां पर है। केप टाउन से लेके और कायरा तक रेल मार्ग स्थित है। केप टाउन से मिस्र देश के काहिरा नगर तक रेल मार्ग स्थित है। यह मुख्य नदियों, झीलों से जुड़ा हुआ है। क्या मुख्य रूप से ये जुड़ा हुआ है विश्व का मध्य, जिसका मध्य भाग अफ्रीका के पूर्वी रिफ्ट ब्रंस घाटियों से जुड़ा हुआ है। अगले जो टॉपिक है उसमें घास के मैदान वेल्ड वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं, ध्यान रखना। जिनमें गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं की खेती की जाती है। शीतोष्ण शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय में घास के मैदानों में हमेशा किसकी खेती होती है? गेहूं की फसल होती है, ध्यान रखना। अगला टॉपिक जो है पेम्बा है जंजीबार। पेम्बा व जंजीबार विश्व की 90% लौंग का उत्पादन होता है। तारीख विश्व की जो है 90% लौंग का उत्पादन कहां पर होता है? पंबा और जंजीबार में। पंबा और जंजीबार कहां पर है? तंजानिया। देश में कौन से देश में? तंजानिया देश में। अगला टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नया देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नया देश 54वां राष्ट्र, जो दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है, यूएनओ के अनुसार, यूएनओ के अनुसार 193वां देश है। यूएनओ के अनुसार ये कौन सा देश है? 193वां देश है, ध्यान रखना। 9 जुलाई 2011 में सदस्यता मिली। इसको सदस्यता कब मिली? इसकी राजधानी जोम्बा है। इसकी राजधानी कौन सी है? जोम्बा है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश नंबर एक अल्जीरिया, नंबर दो जायरे और नंबर तीन सूडान। ब्रैकेट में ध्यान रखना, दक्षिणी सूडान। अलग होने के कारण तीसरे स्थान पर ध्यान रखना। अगला है जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से नंबर वन पर जो देश है वो है नाइजीरिया, सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना। किसकी दृष्टि से सबसे बड़ा देश, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या, यानी अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? नाइजीरिया के अंदर। नंबर दो पर है इथियोपिया, यहां पर भी जनसंख्या की दृष्टि से इथियोपिया जो है वो दूसरे स्थान पर है। धन्यवाद। अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट।